फ्रेंड्स नमस्कार, प्रीति पटेल चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के लाई हूँ चौलाई की एक नई रेसिपी जो काफ़ी टेस्टी होती है। आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 हरी मिर्च, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और लहसुन की कुछ कलियाँ, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 टमाटर। अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर प्याज को मैं बारीक काट ले रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ मिक्सी की जार, उसमें ये अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और आधा प्याज जो मैं बारीक काटी थी वो प्याज और टमाटर, इन सारे चीज़ों को डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बाकी प्याज लहसुन और हरी मिर्च रहेगा उसका हम तड़के में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पेस्ट भी बन के तैयार हो गया है। और ये है चौलाई की पत्तियाँ जिसे मैंने अच्छे से छाँट के और अच्छे से धुल के पानी इसका निथर गया है रख दी हूँ। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच बेसन। बेसन की मात्रा हमें उतना रखना है कि ये आपस में पत्तियाँ सभी में बेसन आपस में लिपट जाए, मतलब पत्तियों का बेसन अच्छे से कवर कर जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल दी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग डालेंगे सब्जी मसाला जिसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर है। इसके बाद टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिला के इसको रख देते हैं एक साइड में। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप थोड़ा बहुत पानी की छींटे मार के इसको मिला सकते हैं। वैसे पत्तियों में पानी लगी हुई है तो ये बेसन अच्छे से इसमें मिल जाएगा। ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा, फिर पकौड़े उतने क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसलिए इसमें पानी नहीं डालते हैं। बस हल्का फुल्का इसमें छींटे मार लेते हैं पानी के। मैं गैस ऑन करके कढ़ाई को रखती गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। ये पकौड़े जो है वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सरसों के तेल में ही बनाने का। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तो ये जो मैंने मिक्सचर बना रखी थी उसको मैं हाथों से दबाते, उंगलियों से दबाते हुए इस तरीके से गोल, थोड़ा थोड़ा पत्तियों लेके गोल शेप में बना के रख लेती हूँ ताकि हमारा गर्म तेल में डालने में पकौड़े को आसानी होगी। तो तेल हमारा लगभग गर्म हो गया है और ये मैं पकौड़े भी इसकी पत्तियाँ का अच्छे से गोल शेप दे के बना के रख दी हूँ। शुरू में हमें आँच को तेज़ रखना है, तो तेज़ आँच पे इस पहले पकौड़ी को गर्म तेल में मैं डाल दूँगी पत्तियों को। आँच को तेज़ इसलिए रखते हैं, अगर हमारा आँच मीडियम या स्लो रहेगा तो जब हम ये पकौड़े पत्तियों को डालेंगे तो ये पत्तियाँ जो होती है पकौड़े जो होते हैं तेल ज़्यादा सोख लेते हैं, तेल ज़्यादा पी लेते हैं। तो शुरू में आँच तेज़ रहेगा तो पकौड़ियों में तेल ज़्यादा नहीं सोखेगा। और इसके बाद पलटे की सहायता से इसको हम आसानी से पलट लेंगे धीरे धीरे, उसके बाद हम आँच को मीडियम कर सकते हैं। नहीं तो आँच तेज़ रहेगा तो ये पत्तियाँ हैं तो जल जाएगा, तो फिर मीडियम आँच पे करके इसको क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। ये गोल्डन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर नहीं होगा क्योंकि हरी हरी पत्तियाँ हैं, तो हमें इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसको हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में जूरी के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे आप इसको दाल चावल के साथ ही इसको बना के आप खा सकते हैं, बट मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी जिसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, जो काफ़ी टेस्टी होती है। तो पकौड़े को हमें उलट पुलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक से सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे ये पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गया, उसको मैं तेल को निथारते हुए पकौड़े को निकाल लूँगी। बाकी इसी तरीके से जो हमारा चौलाई की पत्तियाँ बची थी उसके भी हम पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी रेसिपी की नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपके पास फर्स्ट में पहुँच जाए। तो सारे हम पकौड़े को अच्छे से फ्राई कर लिए। सारे पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और कढ़ाई हमारा ऑलरेडी गर्म है, पहले से ही गर्म है। तो इसमें तेल थोड़ा कम है तो थोड़ा सा सरसों का तेल और ऐड कर दी और इसके बाद इसमें डाल दी 1 तेज़पत्ता को छोटा छोटा तोड़कर। इसके बाद आधा चम्मच हम साबुत जीरा और काली मिर्च, मतलब खड़ा जीरा और काली मिर्च डाल दी। इसके बाद इसमें जो बारीक कटा हुआ लहसुन है, हरी मिर्च है और प्याज है, इसको डाल के हमें अच्छे से कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। तो साथ ही में मैं नमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार, क्योंकि जब हम प्याज में नमक साथ में ही डाल देते हैं तो हमारा जो प्याज है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी से भुन जाता है। तो थोड़ी देर तक मैं ढक देती हूँ ताकि ये जो प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आँच को मीडियम कर देंगे ताकि हमारा प्याज चले नहीं। तो देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट होना शुरू हो गया, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें जो प्यूरी में बना रखी थी टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का, प्याज का, तो उसको हम डाल के और इसको अच्छे से भुनेंगे। आँच को हमें मीडियम कर देना है।
तो साथ में ही मैं मसाले डाल दे रही हूँ। तो मैं डाल दी आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच सब्जी मसाला। इसके बाद आधी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो जिससे हमारी जो सब्जी की कलर है, ग्रेवी की कलर है, काफ़ी अच्छा आता है। ये उतना तीखा नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा कलर मतलब डार्क करना है तो आप आधा चम्मच की जगह एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसके बाद इसको ढक देंगे। हमें मसाले को तब तक भूनना है मीडियम आँच पर जब तक कि मसाले से तेल अलग न हो जाए। इधर मैं एक बाउल ले ली, उसमें डाल दी एक चम्मच बेसन और एक दो चम्मच के लगभग पानी डाल के इसको हमें अच्छे से घोल बना लेना होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि बेसन क्यों घोल के रख रही हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये घोल को मैं डालूँगी अपने ग्रेवी में, जिससे हमारा ग्रेवी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो मैं ढक्कन हटा के दिखा रही हूँ। मसाले हमारा भुनना शुरू हो गया है। तो पलटे से हम इस तरीके से चलाते हुए जो प्याज है उसको थोड़ा बहुत मसल देते हैं, फिर इसको ढक देते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी करारी पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं, जिसे हम इस तरीके से भी केवल चावल दाल पे या ऐसे भी आप केवल इसको खा सकते हैं। काफ़ी क्रिस्पी है। अब मैं ढक्कन हटा के दिखा रही हूँ, मसाले हमारे भुनना शुरू हो गया है। देखिए लगभग साइड साइड से तेल छोड़ना शुरू हो गया है। अभी अच्छे से तेल नहीं छोड़ा है, तो अभी मीडियम आँच पर इसको हम अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि अगर मसाला कच्चा रहेगा तो हमारी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी, टेस्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। हमारी ग्रेवी की या सब्जी की जो खास चीज़ होती है वो मसाला भुनना होता है। तो लगभग हमारा मसाला अच्छे से, शुरू में आँच थोड़ा सा तेज़ कर दी, तेज़ करके इसको अच्छे से भून दी। मसाला एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया, तब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। पानी की मात्रा हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, लेकिन खौलेगा और ये जो मैंने बेसन घोल के रखी थी वो भी डालेगी तो थोड़ा गाढ़ा होगा ठंडा होने के बाद, और ये जो पकौड़े भी हैं वो भी डालेंगे तो थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करेंगे, तो हम बाद में हमारी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए पानी को हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, परफेक्ट पानी रखना है। इस तरीके से हमें इसको ढक के और अच्छे से इसको खौलने तक पकाना है। देखिए अच्छे से हमारा ग्रेवी खौल गया, तब ये बेसन का घोल मैं इसमें डाल के और लगातार चलाते हुए इसको खौलाऊँगी। अगर आप बेसन का घोल डालने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं, चलाते नहीं हैं, तो ग्रेवी थोड़ा सा फटाफटा सा, मतलब उसमें वो गाँठे सा पड़ जाता है, तब फटाफटा सा दिखने लगता है, ग्रेवी अच्छी टेस्ट भी अच्छी नहीं आती है। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। देखिए अब ग्रेवी खोलना शुरू हो गया, तब इसमें हम डालेंगे अपने पकौड़े को। ग्रेवी खोल भी रहा है और आपको गाढ़ी भी हो गई थोड़े बहुत, तो इस तरीके से हम इसमें पकौड़े को डाल देंगे। और पकौड़े को डालने के बाद हमें इस ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस लगभग एक मिनट तक पकाना है। ये बाकी मैं पकौड़े रख दे रहा हूँ इस तरीके से खाने के लिए, मतलब ये ग्रेवी के साथ इस तरीके से वो क्रिस्पी होता है, तो खाने के लिए मैं रख दी हूँ। और इसको थोड़ी देर तक रख देती हूँ, लगभग एक मिनट गैस ऑन करके इसको थोड़ा सा, और हम इसको पलटे से थोड़ा पलट दे रहे हैं ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से ग्रेवी को सोख लें। और इसको आपको इस स्टेज पे बहुत आसानी से पलटना होगा, नहीं तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो जो पकौड़े वो टूट सकता है। अब गैस को मैं बंद कर दी, अब इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो इस तरीके से चौलाई की हमारी पकौड़ी वाली सब्जी बन के तैयार हुई है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, टेक केयर।